हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। सो एपिसोड की शुरुआत में ऑरविल की टीम किसी प्लेनेट की जांच करने का फैसला करती है और इसके लिए कमांडर केली आइजैक और ल्यूटनेंट मॉली को चुना जाता है जो इस प्लेनेट पर जाएंगे। उन्हें बताया जाता है कि इस प्लेनेट की संस्कृति काफी सदियों पुरानी है, यानी कि लोग अभी तक डेवलप नहीं है, इसलिए इन लोगों को प्लेनेट के लोगों से चुप कर रहना है। अब एक शटल से ये लोग उस प्लैनेट पर लैंड करते हैं जो कि अर्थ लाइक ही प्लैनेट था। अब ये लोग पहाड़ों में कुछ इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। थोड़े समय के बाद केली को दो छोटी लड़कियां देख लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उनमें से एक लड़की नीचे गिर जाती है और उसे चोट लगती है। अब केली ना चाहते हुए भी उसके पास जाती है और उसे अपने बारे में बताती है और अपने एक डिवाइस से उसके घाव ठीक कर देती है। लेकिन तब तक आसपास के गांव के लोग आकर केली को देख लेते हैं और उस बच्चे का घाव ठीक करने के कारण उसे वो भगवान मानने लगते है। इसके चलते इन सबको वहाँ से भागना पड़ता है। अब ये लोग ऑर्विल में वापस आते हैं और उसी प्लैनेट पर रिसर्च करने लगते हैं, लेकिन तभी देखते ही देखते वो प्लैनेट इनके सामने अचानक से गायब हो जाता है, जो देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। आइजैक जो कि एक एआई था, वो थोड़ी रिसर्च करता है और इन्हें बताता है कि हमारी दुनिया दरअसल दो यूनिवर्स में बटी हुई है। इस पूरे ब्रह्मांड का आधा हिस्सा इस यूनिवर्स में आता है तो आधा बचा हुआ हिस्सा दूसरे यूनिवर्स में जाता है, और जो प्लैनेट अभी इनके सामने गायब हुआ वो एकमात्र प्लैनेट है जो इन दोनों यूनिवर्स में आता जाता रहता है ताकि वो अपना पूरा एक ऑर्बिट खत्म कर सके। आगे आइजैक बताता है कि उस प्लैनेट को अपने ऑर्बिट का राउंड पूरा करने के लिए 11 दिन लगेंगे और 11 दिनों के बाद उस प्लैनेट को वापस इस यूनिवर्स में आ जाना चाहिए। ये सुनने के बाद कैप्टन मर्सर और उसके साथी इस प्लैनेट के वापसी का वेट करने लगते हैं। अब 11 दिन के बाद वो प्लैनेट वापस आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन से इन्हें पता चलता है सिर्फ 11 दिन में ही वो प्लैनेट अभी काफी एडवांस और पॉपुलेटेड हो गया है। लेकिन आइजैक उन्हें बताता है कि ये टाइम डायलेशन है, यानी कि हर यूनिवर्स का और हर एक प्लैनेट का समय अलग अलग होता है उसकी ग्रेविटी के कारण। हमारे लिए भले ही 11 दिन गुजरे हैं, लेकिन वो प्लैनेट दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करके आया है और उसके लिए 700 साल गुजर गए हैं। अब दोबारा उस प्लैनेट की जांच करने के लिए ये लोग वहां जाते हैं, साथ ही कैप्टन मर्सर भी आता है। ये लोग उसी प्लैनेट के लोगों की तरह कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन तभी एक लेडी अपने बच्चे के साथ बाहर आती है और वो केली को देखते ही उसके सामने गड़गड़ाने लगती है, उसके प्रार्थना करने लगती है और कहती है कि उसके बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। केली हिचकिचाते हुए ऐसा ही करती है और ये लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि केली के नाम के यहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं, उसके पुतले बने हुए हैं और लोग उसकी पूजा करते हैं, और अगर कोई भी केली का मजाक उड़ाता है तो उसे सीधा फांसी पे चढ़ाया जाता है। इन सब से हैरान वे लोग एक बड़े से मंदिर में जाते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि केली के 700 साल पहले इन लोगों से मिलने की वजह से ही सब कुछ बदल गया है। उसने उस बच्चे के घाव को ठीक कर दिया था, तब से पूरे प्लैनेट पर ये खबर फैल गई थी कि केली एक ईश्वर है, जिसके नतीजे में वो लोग उसकी पूजा करने लगे थे और वो 7 पीढ़ियों के बाद भी केली को अपना ईश्वर मानते हैं। अब यहाँ पे केली ने ऑरविल के सारे नियमों को तोड़ दिया था। दरअसल उन्हें हमेशा अपना काम हर एक प्लैनेट के लोगों से छुप कर करना चाहिए था और केली की वजह से इस प्लैनेट की संस्कृति बदल गई थी, और अगर ये बात ऑरविल के हाई अथॉरिटीज को पता चली तो उसे सजा हो सकती थी। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद केली इस शहर के हैंड ऑफ स्टेट वॉलंटियर्स के सामने जाकर उसकी पर्सनालिटी रिवील करने का फैसला करती है। अब कुछ देर के बाद ये अपने मेन गॉडेस के टेंपल में पहुंच जाती है और सबको बताती कि वो भगवान नहीं है, लेकिन कोई भी उसके बात पे भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो अपने हथेली पर एक कट लगाती है और फिर वो अपने डिवाइस से घाव भर देती है और उन सबको बताती है कि ये एक डिवाइस के मदद से होता है। अब वॉलंटियर्स केली की हीलिंग पावर से हैरान हो जाता है, लेकिन केली बताती है कि उसके पास कोई हीलिंग पावर नहीं है, ये सब कुछ एक डिवाइस के मदद से हो रहा है, और वॉलंटियर्स को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है और वो भी अपनी हथेली कट करके उस डिवाइस के मदद से अपने घाव ठीक करता है। अब वॉलंटियर्स भी मान जाता है और केली का मैसेज सारे लोगों तक पहुंचाने का वादा करता है। अब केली और उसकी टीम जाने के बाद वॉलंटियर्स अपने लोगों को ये खबर पूरे दुनिया में फैलाने के लिए तैयार करता है, लेकिन उसका लालची असिस्टेंट ये सब कुछ नहीं चाहता था और इसीलिए वो इस सच्चाई को रोकने के लिए वॉलंटियर्स को ही मार देता है। अब इसके 11 दिन के बाद हम देखते हैं वो प्लैनेट अब 21वीं सदी में पहुंच गया था और ऑरविल की टीम वापस से प्लैनेट पर जाती है और उनको पता चलता है कि लोग अभी भी केली की पूजा करते हैं और उसके नाम पर
टेररिस्ट के द्वारा हजारों लोग भी मारे गए हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उन्हें लगने लगता है कि वो लोग अब बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। लेकिन तभी केली को एक आइडिया आता है और वो बताती है कि बस वो खुद ही इस प्लेनेट पर जाएगी और अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पे गुजारेगी, जिससे साबित हो जाएगा कि कोई भी ईश्वर नहीं है। हालांकि कैप्टन मर्सर उसे ऐसा ना करने के लिए कहते हैं। तभी आइजैक आगे बढ़ता है और कहता है कि केली की जगह पे वो इस प्लेनेट पर जाएगा क्योंकि वो एक एआई रोबोट है और वो लोगों को सही शिक्षा दे सकता है। वो वहाँ पे 700 साल जिंदा भी रह सकता है, जो कि उसके लिए 700 सेकंड के बराबर होंगे। अब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए कैप्टन आइजैक को इजाजत दे देता है। इसके बाद सीन फिर सीधा 11 दिन के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे वो प्लेनेट दोबारा प्रकट हो जाता है। लेकिन इस बार वो पूरा फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में बदल गया था, उसमें बड़े बड़े शहर थे। तभी एक स्पेसशिप ऑरविल के अंदर आने की परमिशन मांगने लगता है। कैप्टन मर्सर उसे इजाजत दे देता है और दो फ्यूचरिस्टिक लुकिंग एलियन आइजैक के साथ अंदर आते हैं। पहले तो वो कैप्टन मर्सर और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आइजैक को भेजा था और उसकी वजह से ही इस प्लेनेट में काफी तरक्की हुई है। अब केली उनसे पूछती है कि क्या अभी भी लोग मेरी पूजा करते हैं, तो वो एलियन बताते हैं कि काफी समय से उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया है। लोग अभी भी थैंकफुल है कि केली और दूसरे एलियंस ने उनके प्लेनेट को विजिट किया था, जिसके चलते वो प्लेनेट बहुत ही पावरफुल बना है। इसके बाद वे लोग अपने प्लेनेट पर वापस लौट जाते हैं, तो वही ऑरविल आइजैक के साथ अपना सफर कंटिन्यू करता है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।